الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الله. الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ضرب الأمثال في سلسلة ما آج هم رياكاري کرنے والے کی مثال کے بارے इससे पहले हमने इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के फ़वाद के बारे में मिसाल पढ़ी। आज हम देखेंगे कि उसके बरक्स जो शख्स रियाकारी से काम लेता है एहसान एहसान जताता है दूसरों को दुख देता है कुछ देकर तो उसका हाल क्या है इर्शाद बारी ताला है ये! والأدى كالذي ينفق ماله له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه ए लोगो जो ईमान लाए हो अपने सदक़ात को एहसान जता कर और अजियत देकर ज़ाया मत करो उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान नहीं रखता तो उसकी मिसाल उस चखने पत्थर की मिसाल की तरह है जिस पर मट्टी हो फिर उस पर तेज़ बारिश पड़े तो उसको साफ़ चटान की तरह छोड़ दे और जो कुछ उन्होंने अजर कमाया उसमें से किसी चीज पर भी वो कुदरत न रखेंगे और अल्लाह गफ्र करने वालों को हिदायत नहीं देता सूरत अलबरा के इस हिस्से में खर्च करने और ख़र्च करने वालों के बारे में बहुत सी बातें आई हैं पिछली आयत में हमने देखा कि अल्लाह सुबहान की मिसाल बयान करते हैं जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं यानी अखलास के साथ तो उनका ये माल किस तरह बढ़ता है उसकी मिसाल एक दाने की मिसाल की तरह है जिसने सात खोशे उगाए और हर खोशे में सौ दाने हैं और अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है और अल्लाह वसत वाला और सब कुछ जानने वाला है इस आयत में न सिर्फ ये कि अखलास के साथ सदका करने वाले की मिसाल का जिक्र है बल्कि सदक़े की रगबत भी दिलाई गई है और इसके बाद मज़ीद एक मिसाल आती है कि जिसमें नीयत की खराबी के साथ अगर कोई इंसान सदका करता है तो उसका नुकसान क्या होता है इस्लाम में नीयत का बहुत बड़ा मकाम है बहुत अहम चीज़ है कोई भी अमल अब सिर्फ़ अपने जाहरी अमल की बिना पर अल्लाह के यहाँ क़ाबले कबूल नहीं होता अल्लाह ताला सिर्फ उस अमल को कबूल करता है जिसके करने वाले ने अपनी नीयत दुरुस्त रखी हो जो काम बुरी नीयत से किया जाता है शोहरत के लिए दिखावे के लिए लोगों को खुश करने के लिए तो उस अमल को अल्लाह सुबहान रद्द कर देता है सही नीयत क्या होनी चाहिए कि किसी भी काम को करने से अल्लाह सुबहान रज़ा मकसूद हो जो भी कोई नेकी का, का काम करें छोटा करें बड़ा करें सदका करें या नमाज पढ़े या कोई भी नेकी का, का काम करें तो इंसान के अंदर यह एहसास होना चाहिए कि मुझे इसका अजर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से लेना है इस अजर की तो किसी और से नहीं रखनी लेकिन अगर इंसान बुरी नीयत से काम करता है यानी बुरी नीयत का मतलब क्या है कि नेकी का काम बज़ाहिर दीन का काम करके उससे दुनिया का फ़ायदा उठाना चाहता है और इसलिए कि लोग उसकी तारीफ़ करें लोगों में उसकी शोहरत हो उसकी पापुलरिटी बढ़ जाए लोगों के दरमियान उसको बहुत इज्जत मिल जाए तो ये चीज़ अल्लाह सुबहान ता काबिल कबूल नहीं नीयत का ताल्लुक इंसान के अंदरूनी कैफ़ियत से है इंसान की सोच के साथ है आम लोग दूसरे लोग किसी की अंदरूनी कैफ़ियत को नहीं जानते आप मेरे दिल की हालत नहीं जानते मैं आपके दिल की हालत नहीं जानती लेकिन एक हस्ती है अल्लाह इज़्ज़त की कि जिसको पूरी तरह ये मालूम है कि किसी भी नेकी के काम के करते वक्त मेरे अंदर की हालत क्या है मेरे दिल में क्या है मेरे दिमाग में क्या है मेरे जज्बात क्या है हम लोगों को धोखा दे सकते हैं लोग हमारे बारे में गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं लेकिन हम अल्लाह सुबहान तला को धोखा नहीं दे सकते क्योंकि वो हर चीज को खूब जानने वाला है और क्यामत के दिन वो हर एक से अपने इल्म के मुताबिक ही मामला करेगा और हर एक को वही बदला देगा जिसका वो वाकई मुस्तक है यह नहीं कि जिसकी लोगों ने बड़ी तारीफ़ की थी और लोगों से उस काम की उसको बड़ी तइद मिल गई थी उसके मुताबिक लोग इसको बहुत पसंद करते थे या ये लोगों में इसकी पसंदीदगी का ग्राफ बहुत ऊंचा था इसलिए इसको अजर भी ज़्यादा मिलना चाहिए ऐसा नहीं तो नीयत के साथ ही कोई अमल कार होता है और नीयत बेकार हो तो का अमल भी बेकार हो जाता है बुरी नीयत या नाकिस नीयत के साथ जो भी काम किया जाए वो बेक़ीमत होता है उसकी नज़र अल्लाह सुबहान हाँ उसकी जो अहमियत है या उसकी जो वक़्त है वो अल्लाह के हाँ कुछ भी नहीं होती तो जब किसी चीज़ की असल कीमत चुकाई जाए तो ही वो सही चीज़ इंसान को हासिल होती है तो जिस मकसद के लिए आप कोई काम करते हैं वही चीज़ आपको मिलेगी दुनिया के लिए करते हैं दुनिया मिलेगी और उसमें भी जरूरी नहीं कि सारी दुनिया ही मिले जो आप चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाए लेकिन अल्लाह के हाथ तो सिर्फ वही चीज़ मिलेगी जो आपने अल्लाह के लिए की अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह सुबहान तला को राज़ी करने के लिए तो इस तमहीद के बाद हम इस आयत को मज़ीद देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं कि जो इंसान के सदक़ात के रास्ते में रुकावट बन जाती हैं या फिर ये कि उनके सवाब को जायद कर देती हैं क्या चीज़ें हैं जो उसको इंसान को घेर लेती हैं और इंसान की नीयत को ख़राब कर देती हैं तो ऐसी चीज़ों की नफ़रत दिलाते हुए उनकी वजाहत कर दी गई कि इंसान उससे बाज आ जाए इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह तआला ने पीछे एक आयत में यूँ फरमाया الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منن ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं फिर उन्होंने जो खर्च किया उसके पीछे ना किसी तरह का एहसान जताते हैं और ना कोई तकलीफ पहुंचाते हैं उनका अजर उनके रब के पास है उन पे ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे अच्छी बात और माफ कर देना उस सदके से बेहतर है जिसके बाद किसी तकलीफ का पहुंचाना हो और अल्लाह बहुत बेपरवाह और बेहद बुरदबार है तो इन आयत के एक तसलसल के बाद एक सिलसिले के बाद अल्लाह सुबहान तारे में बताते हैं कि खर्च करने की दो हालतें हैं एक ये, खर्च करने खर्च अल्लाह के लिए किया जाए सदका अल्लाह के लिए दिया जाए उसके बाद ना एहसान जताया जाए ना किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए और दूसरी हालत क्या है कि सदका दिखावे के लिए किया जाए देकर एहसान जताया जाए और फिर दूसरों को तकलीफ पहुंचाई जाए तो याद रखिए, एहसान जतलाना और तकलीफ देना सदके को बातिल कर देता है और इसके बरक्स इखलास जो है वो सदके को एक दाने को भी सात सौ दानों तक बढ़ा देता है तो आयत की वजाहत देखते हैं फरमाया या निदा से बात शुरू हो रही है, वालों को पुकारा जा रहा है ईमान वालो सुनो गौर करो दो। अल्लाह का जब हुक्म आए तो उसकी सुनी अनसुनी ना कर दो उसको ऐसे ही उससे ना गुजर जाओ अगर किसी काम की किसी अच्छे काम का हुक्म दिया जा रहा है किसी खैर और भलाई के काम का तो उसे कर गुजरो और अगर किसी चीज़ से रोका जा रहा है जो तुम्हारे हक में नुकसान दे तो उससे रुक जाओ तो यहां पर रोका जा रहा है बुनियादी तौर पर ईमान वालों को खिताब करके ला तुब तिलु सदक़ अपने सदकात को बातिल न करो बातिल का मतलब है फासिद कहा जाता है कि यह चीज़ फासिद है या कहा जाता है ये चीज़ बातिल है तो फासद और बातिल दोनों एक ही माने में है तो हर वो काम हर वो अमल जिसके नतीजे में कोई असर मुरतब ना हो या कोई नतीजा ना निकले उसका वो फासिद होता है यानी आपने एक काम किया मसलन खाना बनाया और उसको जला दिया तो किसी के भी काम ना आया किसी का भी पेट ना भरा किसी कोई उसको चख भी ना सका और बहुत दफा आप ऐसे तजुर्बात से गुजरते हैं या आपने कोई चीज बनाई मसलन आपने कोई ग्लास में कोई चीज भर के रखी और इतने में ग्लास आपके हाथ से स्लिप हो गया और सब कुछ टूट फूट के स्लिप, स्पिल आउट हो गया खर्च खत्म हो गया तो उससे आपको कोई फायदा ना हुआ तो बातिल वो अमल होता है जिसका कोई फायदा मंद नतीजा ना निकले यानी जिससे कुछ हासिल ना हो वो बेकार हो फूल में जाए हाँ वो इबादत का काम हो जिसे कहते हैं ना उसकी नमाज बातिल हो गई तो क्या मतलब है कि इस नमाज का ये नमाज अदाई नहीं हुई या इसका कोई अजर भी नहीं मिलेगा इसी तरह हकूक इबाद में भी अगर आप कोई मुहिदा करते हैं और उसको पूरा नहीं करते तो वो बातिल हो जाता है यानी जिस मकसद के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो पूरा ही नहीं हुआ यानी बात कहते हैं ये बेहतर तजारत बातिल है यानि वो कम्पलीट नहीं हुई उसका कुछ नतीजा नहीं निकला तो इबादत में बहुत सी शरात होती हैं उनकी अदायगी में और अगर वो इबादत सही तरीके पर अदा की जाए तो उसके सही असरात भी नतयज भी सामने आते हैं मसलन अगर कोई इबादत हम पर फर्ज के दर्जे में है या वाजिब में है तो उसके नतज क्या होंगे अगर हम सही तरीके पर अदा करेंगे कि मसलन कि नंबर एक हमारा फर्ज पूरा हो जाएगा यानी हम पर इबादत जो फर्ज की नमाज फर्ज की गई है तो अगर हम बुजुर्ग के साथ उसकी सारी शरायत, अरकान के साथ उसको अदा करते हैं तो गोया फर्ज पूरा हो गया नंबर दो ये कि सिर्फ फर्ज पूरा नहीं हुआ बल्कि उसका अजर स्वब भी हासिल होगा और नंबर तीन ये कि ना सिर्फ ये आखिरत का अजर स्वब बल्कि नमाज पढ़ने के जो दुनियावी फायदे इंसान को हासिल होते हैं अगरचि उनको सामने रख के नमाज नहीं पढ़ी जाती लेकिन वो भी हासिल होते हैं मसला आप वज़ू करते हैं तो आप पाक साफ हो जाते हैं आप तहारत से होते हैं तो आपके अंदर एक अच्छी सकीनत की कैफियत होती है इसी तरह आप जब नमाज में खड़े होते हैं जिक्र करते हैं उससे आपको सुकून मिलता है ये दुनियावी फ़ायदा हो रहा होता है अजर तो अपनी जगह लेकिन साथ साथ आप फायदा भी उठा रहे होते हैं इसी तरह जब आप मुख्तलफ मुख्तल अरकान की अदायगी में ऊपर नीचे होते हैं तो आपकी वर्जिश भी हो रही होती है एक्स्ट्रेचे एक तरह से हो रहे होते हैं तो मूवमेंट हो रही होती हैं फिर वक्त की पाबंदी और बेशुमार दुनियावी फवायद हैं जिनके लिए नमाज नहीं पढ़ी जाती लेकिन वो होते हैं इसी तरह ज़कात है मसलन तो जकवात की अदायगी जो है वो माल को पाक करती है फरीजा अदा करती है आपके माल में नशो होती है फिर जक़त या सदक़ात के जो मजीद फवायद हैं कि वो मुसीबतों को टलाता है आ, आपके रिस्क में इजाफे का बायस बनता है जिसको आप देते हैं उसके साथ आपके ताल्लुक अच्छे होते हैं आपको कई खुशी हासिल होती है एक सुकून मिलता है तो ये सारे फायदे हासिल होते हैं आपको लेकिन जब कोई चीज़ बातिल हो जाती है तो उसमें हो सकता है कि वक्ती तौर पर आपको दुनियावी शहरत को मिली थोड़ी देर के लिए आपको बड़ी खुशी थ्रिल मिली उसके बाद ये कि आप बैठ गए बल्कि उल्टा रिगरेट और नदामत और दिल के अंदर एक परेशानी यानी यही वजह है कि जब इंसान अल्लाह के लिए काम नहीं करता तो वो काम उसके लिए देर पा खुशी का बायस नहीं बनता आखिरत में तो खैर उसके लिए है ही कुछ नहीं लेकिन दुनिया में भी वो ज्यादा फायदे का नहीं होता तो बहरहाल जब कोई अमल बातिल होता है तो इसका मतलब यह है कि जिम्मेदारी हमारी पूरी नहीं होती सवाब हासिल नहीं होता और उसके कई एक असबाब है जिसमें एक सब यह है कि किसी रुकन या शर्त में खलल वाक्य हो या ये कि कोई ऐसी रुकावट आ जाए कि जिससे इबादत जो इबादत पर असर अंदाज़ हो तो यहां पर फरमाया यानि अपने सदकात को बेकार ना कर दो जाया ना कर दो और सदकात सदका की जमा है हर वो चीज जो इंसान अल्लाह तआला का कर्ब हासिल करने के लिए खर्च करता है वो सदका कहलाता है और फिर इसकी तकसीम भी है सदक़ात में जैसे ज़क़त है नफ़क़ात है नफ़क़ात वाजबा है जैसे बीवी का नफका है या और जिसको देना हमारे ज़िम्मा हो उसको देना तो वो वो फरैज़ की अदायगी जो है माल में वो भी है लेकिन उसके साथ साथ नफली सदक़ात भी हैं यानि जो कुछ भी चाहे इंसान माल खर्च करे चाहे इंसान अपना वक्त खर्च करे चाहे इंसान अपनी सलाहियतें और स्किल्स खर्च करे लगाए अपनी मेहनत अपनी ताकत लगाए किसी काम में जिस्मानी मशक्क़त करे ये सारी चीजें फिर सदका शुमार होती कौल उन मारूफ जो है ये भी अलमतो तय्यबा भी सदका कहलाते है यानी सदका का एक वसी मजाल है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने माल को जया ना करो बल्कि अपनी सारी एफर्ट्स को इस तरह इस्तेमाल करो कि वो आखिरत में तुम्हारे लिए बहुत बड़े अजर का बायस हो और उनको अल्ला सुबहान तुशनुदी के लिए खर्च करो अब किस चीज से सदक बातिल होते हैं या ज़ाया होते हैं बिलमन निवल अदा इन दो बड़ी चीजों से मन और अदा से तो मन कहते हैं असल में इनाम करने को जैसे मन अल्लाह अलया अल्लाह ने मुझ पर इनाम किया इसी तरह कहते हैं लहू अलैया मिन्ना कि फुलां का मुझ पर बड़ा एहसान है उस उसने मुझ पर बड़े इनाम इकराम किए हुए हैं उसने मेरा बड़ा ख्याल रखा है इसी अल्लाह का फरमान है लकद मिन ये आले रान किया वन है अल्लाह ने वालों पर एहसान किया जब एक रसूल उन्हीं में से भेजा तो इसको ये एहसान बतौर इनाम और इसकी मिसाल क्या है इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सर्ज वफात में एक पट्टी से अपने सर को बांधे हुए बाहर तशरीफ लाए मिंबर पर तशरीफ लाए अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद फरमाया, अपनी जान और माल को मुझ पर, अपनी जान जान, जान और माल को मुझ पर अबू बकर से ज्यादा और कोई खर्च करने वाला नहीं यानी इनके मुझ पर बहुत इनाम है यानी अमन नलिया का लफ्साता है अरबी में इन नई सिनना सिद्न अमन अलइया फी नफ्सी वी बकर अबू बकर ने मेरे लिए यानी कि खुद भी अप, अपना आप भी दिया वह अपना वक्त भी दिया अपनी सलाहियतें भी दी सपोर्ट किया साथ दिया हिजरत के वक्त साथ थे और गार सौर में आपके साथ थे बहुत से मवा आते हैं कि जब वो आपके साथ होते हैं और इसी तरह यह है कि हर मौके पर अपना माल भी खर्च करते हैं तो उनके इस रवैये को आप मन कहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ बहुत एहसान किए इसी से अल्लाह सुबहान मन्नान भी है इसका मतलब है इनाम करने वाला अता करने वाला बख्शिश अता यानी बख्शने वाला कुछ देने वाला इसी तरह मन का दूसरा माना भी किया जाता है और उसका माना होता है कम करना इसी से अल्लाह का फरमान है वह इन अजरन गई ममनून और बेशक आपके लिए यकीनन ऐसा अजर है जो कम होने वाला नहीं है मुनकते होने वाला नहीं है यानी उसको काटा नहीं जाएगा ख़त्म नहीं किया जाएगा वह आपका सिलसिला सदका जारिया हमेशा क़यामत तक जारी रहेगा आखिरी मुसलमान तक भी जो अमल करेगा उसका अजर नबी वसल्लम को मिलेगा इसी तरह मौत को भी मनून कहा जाता है अरबी जबान में क्योंकि वो उम्र को कम कर देती है जिंदगी कम कर देती है तो इस आयत में मन से मुराद कमी करना है यानी एहसान जतलाक इस एहसान जतलाना नेमत को कम कर देता है उसके अजर को खत्म कर देता है बेमजा कर देता है यानी मसलन आप किसी शख्स पर कोई एहसान करते हैं सदका देते हैं माल देते हैं फिर आप उस पर एहसान भी जताते हैं तो आप क्या करते हैं कमी करते हैं यानी जो आपको करना चाहिए था ना पूरा वो आपने नहीं किया यानी इससे पता चलता है कि बगैर एहसान जतलाए सदका करने का माना है कि जिस पर सदका किया जाए उस पर एहसान ना जताया जाए उसको अपने एहसान की याद दहानी ना कराई जाए इनामात को शुमार करके ना बताया जाए एहसान का इजहार ना किया जाए क्योंकि इसका नतीजा बड़ा खतरनाक है ये इंसान के अमल को जाया कर देता है यानी एक तो उस काम का मजा कम कर देता है उसका जो दुनियावी असर होना था वो भी कम हो जा इंसान की इज्जत कम हो जाती है अब देखे कितनी कमियां लाभ हो जाती हैं इंसान की अपनी इज्जत कम हो जाती है जब आप किसी को दे के फिर एहसान भी चताना शुरू कर देते हैं दूसरा ये कि उसके जो आपको वक्ती दुनिया के फायदे मिलने थे वो भी कम हो जाते हैं यानी जिसको आपने दिया उसके दिल में बजाय इसके कि आपकी मोहब्बत इज्जत पैदा हो वो उल्टा आपसे नफरत करेगा यानी वो आपसे दूर होगा कि किस किस्म का ये शख्स है मजबूरी के मारे शायद आपसे कुछ ले, ले लेकिन आपकी इज्जत उसके दिल में नहीं होगी और इसी तरह अजर तो आप बात पूरे का पूरा इजाया कर देते हैं या उस मकदार के मुताबिक जितना जितना आप मन से काम ले रहे होते हैं इसका आप देखिए कि कभी एहसान जताने का ये अमल सदका करने के साथ ही हो जाता है या कभी उसके बाद होता है कभी इंसान जब किसी को कुछ दे रहा होता है ना तो कहते हो ये रमजान में ये आपके लिए खजूर है याद है मैं पिछले रमजान में आपके लिए फलां खजूर लाई थी <laughs> तो, तो ये जो जिक्र करना ना वो पिछले रमजान में जो मैंने आपको दिया था ना ये उसी किस्म का है तो ये उसी मौके पे आपने उसको एहसान जता दिया याद करा दिया याद रखो वो मैं पहले भी तुम्हें देती रही हूं भूलना मत तो ये जो जबान से ये एक्स्ट्रा लफ्ज़ बोल देना है ना ये भी एहसान जताने में आ जाता है और ये उस अमल को कम कर देता है उसका असर या उसका अजर और कभी बाद में भी होता है यानी मुद्दत बाद आप किसी को कोई बात याद कराते हैं और फिर यह कि जब कोई लेने के लिए आता है मसलन कोई कर्ज मांगने आता है या कोई अपनी ज़रूरत पेश करने के लिए आता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप कहते हैं याद फला फला मौके पर भी तुम आए थे और फिर मैंने तुम्हारे साथ ये किया था याद है मैं फला मौके पर तुम्हारे साथ फला जगह गई थी और वहां से तुम्हें ये ख़रीद कर दिया था यानी याद फला वक्त याद फला वक्त यानी पिछली भूली बसरी बातें भी दूसरे को याद कराना और वो सुनने वाले का दिल छोटा हो रहा होता है और वो चूँकि ज़रूरतमंद होता है इसलिए मिसकीन बोल भी नहीं सकता कि भाई बस करो इतनी यादें ना याद दिलाओ इतनी ये कोई गुड मेमोरीज नहीं है कि इंसान किसी मुसीबत या मजबूरी में किसी के किसी के पास जाए तो ये है एक चीज़ जो इंसान के सदक़ात को जाया करती है दूसरी चीज़ है अलजा जो है मारूफ चीज है यानी पहुंचाना यानी जैसे किसी को डांटा जाए या किसी का मजाक उड़ाया जाए या किसी को हकीर जाना जाए या ये कि देने वाला लोगों के सामने अपने सदकात का जिक्र करे और खास तौर पर उनके सामने जिक्र कर दे जाके जिन के बारे में ये लेने वाला कतन नहीं चाहता कि उनको पता भी चले यानी बाजू का जो ज़रूरतमंद होता है वो जब लेता है तो साथ आपको कहता भी कि आप किसी से जिक्र ना करना या फलाँ से जिक्र ना करना उस मसला मेरी बहन को ना बताना या उसको ना बताना और आप उसी को जा बताते हैं और जब उसको पता चलता है लेने वाले को कि उसने मेरे साथ ये कर दिया है और उसको पता चल गया है कि मैंने ये लिया है फलां से तो ये चीज़ सख्त अजियत और तकलीफ़ का बायस बनती है एक बाज फ़कीर जो है वो फकर व फाका पे सबर कर सकता है लेकिन ऐसी अजियत पे सबर नहीं कर सकता बहुत मुश्किल हो जाता है मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं ये कि ताबीन में से हैं उन्होंने एक आदमी को सुना वो दूसरे से कह रहा था मैंने तुम्हारे साथ ये एहसान किया ये किया ये किया तो इमाम इबन सीरीन कहते हैं चुप हो जाओ जब नेकी को गिना जाता है नेकी को शुमार किया जाता है तो उसमें कोई कोई नहीं नहीं रहती, कोई नहीं रहती। अच्छा बाजू का दूर ना जाइए हम लोग घर के अंदर ही बीवी अपने हस्बैंड के ऊपर किए जाने वाले एहसानात या हस्बैंड बीवी पे किए जाने वाले एहसानात को राइट लेफ्ट इधर उधर के लोगों को बता रहा होता है कि मैंने उसके साथ ये भी किया ये भी दिया उसको ये भी किया और बा अवत होता है कि जब किसी का किसी के साथ बहुत एहसान किया और उसका कोई बुरा रवैया सामने आ जाए दिल दुख जाए तो फिर इंसान कहता है मेरा दिल दुखा हुआ तो मैंने ना अपनी बढ़ास कहीं निकालनी है और मैं किसी किसी को इंसान बता देता है किसी को बहन समझ, समझ के बता देता है किसी को दोस्त समझ के बता देता है किसी को माँ समझ के बता देता है कि बता देता है कि मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने उस पर ये एहसान किया तो उसने मेरे साथ ये किया और उसमें हम कहते हैं बात हमारा मकसद ये नहीं है लेकिन बस वो दिल दुख गया ना तो इसलिए बताना मकसूद है तो उसमें आप देखिए कि दिल दुखता है तो तभी इंसान के मुंह से कुछ निकलता है वरना अगर दूसरा शख्स आपका शुक्रिया अदा करता रहे तो आपको वज़ा मिलती रहती है यानी किसी न किसी शक्ल में एहसान की जज़ा मिलती रहती है जब कोई आपकी तारीफ़ करता रहता है या आपको एक्नॉलेज करता रहता है कि तो फिर उस वक्त आप खुश रहते हैं फिर आप शायद अपना सदका संभाल भी ले, लेकिन जो ही कोई अजियत आती है तो इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको संभालना और अल्लाह से मान्न भी बाज़ को बाज़ के ज़रिए आजमाता रहता है इमाम अहमद हम्बल के पास उनके कुछ शागिद आए तो वो उससे पहले एक और आलिम के पास थे तो जब वो उनके पास आए तो कहने लगे कि आप कहाँ से आ रहे हो तो उन्होंने बताया कि हम फलाँ के पास गए थे तो इमाम अहमद कहते हैं माशाल्लाह बहुत नेक इंसान है वो आप उसके पास जाया करो बहुत नेक इंसान है तो वो हैरान हो गया कहने लगे वो तो आपके बारे में बहुत गलत गलत बातें करते हैं आपको बुरा भला कहते रहते हैं तो इमाम अहमद और हम ने ना हाँ की ना ना की फिर कहते हैं दोबारा वो तो बहुत नेक आदमी है तुम तो उसके पास जाते रहा करो फिर वो शागिर्द कहते हैं कि नहीं वो आपको अच्छा नहीं समझते तो कहते हैं असल में वो मेरे जरिए आजमाए गए हैं नहीं मैं उनके लिए आज़माइश बन गया हूं ऐसा होता है ना कि बाजूकत एक शख्स कंटेप्रेरीज जो होते हैं मासिर जो होते हैं उनमें से एक दूसरा बड़ा होता है फिर कुछ अरसे के बाद वो जो छोटा होता है वो बड़े से भी आगे निकल जाता है अब ये जो पहले बड़ा बना होता है उसके लिए छोटे का आगे निकलना बड़ा तकलीफदेह हो जाता है और फिर वो अपनी उस तकलीफ को मिटाने के लिए लोगों के सामने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी का बुरे लफ्जों में जिक्र करता रहता है तो इस तरह के जिक्र भी नहीं करने चाहिए क्योंकि यह भी दरअसल असल बात यह है कि अल्लाह ताला ऐसे ही छोड़ देगा अहस्य बनना सोए तक अकुल आमन बनना वह हमला युफनू और युफ तनून से बरात किसी दुश्मन या मुखालिफ ही की तकलीफ़ या अजीयत नहीं होती कि वो आपके दीन के रास्ते में रुकावट डाल रहा है तो आप आज़माए जा रहे हैं नहीं जब इंसान ईमान ला कर कोई नेकी का काम करता है तो इन छोटी छोटी, छोटी चीज़ों से इंसानों से भी बाकत इंसान का इम्तिहान हो रहा होता है यानी अल्लाह ताला ऐसे ही छोड़ देगा कि इंसान नेकिया कर रहा है और उसका इम्तिहान ही नहीं हुआ और अच्छे हालात में अच्छे माहौल में वो ग्रो कर रहा है और जू ही एक हवा का झटका झोंका ऐसा आता है कि जो यख होता है और उसकी खेती पीली होने वाली होती है तो वो इम्तिहान ज़रूर होता है इंसान का कि इसने असल में किस नीयत से काम किया था क्योंकि जो वो अंदर छुपी हुई नीचे वाली ख़राबियाँ होती हैं ना वो झटके से ही बाहर आती हैं वो आम बाज़ात दबी रहती हैं यानी बाज़ बीमारियाँ होती हैं ना वो इंसान के अंदर दबी भी होती हैं पता नहीं चलता कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी इंसान के अंदर कैंसर पल रहा होता उसको नहीं पता होता कि या कहीं या उसके सर को दर्द शुरू हो जाती है या कहीं और दर्द शुरू हो जाती है और जब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो वो एक बड़ी बला के तक इंसान पहुंच जाता है कि अच्छा असल मसला तो ये था जो बीच में निकल रहा था यानी जिसने ये ट्रिगर किया किसी ज़ाहरी बीमारी को तो ये जो हमारे मुंह में मुंह पे, पे बातें आ जाती हैं या हमारे रवैयों से एहसान झलकने लगता है ये असल में किसी अंदर हमारी खराबी की निशानदही कर रहा होता है कि हमने ये काम असल में अल्लाह की रजा के लिए नहीं किया इमाम शाफी की तरफ से कुछ अशार जिक्र किए जाते हैं वो कहते हैं मिनन और अला कलूबिन अशदिन वती फसे हजा व इन सब्र जुन्नतुन। लोगों का एहसान जतलाना दिलों पर नेजों से भी ज्यादा संगीन होता है यानी किसी को नेजा मारा जाए तो उसकी दर्द इतनी शायद ना हो जितना किसी का एहसान का तीर लगने से होता है एहसान जताने के तीर से होता है तो तू अपने नफ्स के लिए उसके नसीबे को अख्तियार कर और सब्र कर क्योंकि सब्र एक ढाल है यानी सबर से ही काम लेके बच सकते हो और वो जो आ रहे हैं ना तीर उनसे सबर के साथ ही बच सकते हो वरना तुम्हारे मुंह से भी कुछ निकल गया तो सब किया धरा जाया हो जाएगा अब ये जो जाया करने वाले लोग हैं इनकी मिसाल किसकी तरह कल्लवी मा लहू रिया उस शख्स की तरह है जो अपना माल रियाकारी के लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और जो लोगों को दिखाने के लिए कोई काम करता है तो उसका अमल बर्बाद हो जाता है जैसे इब्त में मैंने जिक्र किया था कि अगर नियत दुरुस्त ना हो तो इंसान का अमल बर्बाद हो जाता है तो जो मन अजा से काम लेता है वो रियाकार ही की तरह है वो रियाकारी करने वाले ही की तरह है और रियाकारी जो है सबको मालूम है, है रिया अन अरबी में रा युरा ई एक होता है ना रा यरा वो नहीं रा युरा ई इसका मसदर है यानी किसी ने एक काम को इसलिए करना कि लोग देख लें उसकी तारीफ करें वला यु मिन बिल्लाम आखिर और वो अल्लाह और योम आखरत पर ईमान ही नहीं रखता यानी रियाकार दरअसल अल्लाह अल्लाह पर और आख़रत के दिन पर पूरी तरह ईमान नहीं रखता इसीलिए वो लोगों को दिखाने के लिए लोगों को खुश करने के लिए अपने अमल का इंस्टेंट रिवार्ड चाह रहा होता है लोगों से ही दुनिया में ही अल्लाह के यहाँ उसको अजर सवाब पाने की कोई उम्मीद नहीं होती या वो उम्मीद ही नहीं रखता या उसका ख्याल भी नहीं गुज़रता उसको और उसकी नीयत में ही नहीं होता कि मैं जो दे रहा हूँ इसका अजर मुझे अल्लाह से चाहिए तो ऐसे शख्स की मिसाल रयाकार की मिसाल किस तरह है फमत अलू कमत अलीवान अलई ही तो रिसाल एक चटान की मिसाल की तरह है चकने पत्थर की मिसाल की तरह है जिस पर मट्टी पड़ी हुई हो हु। सफवान जो है शफ़ानत उनकी जमा है और शफवान सफा से है साफ़ सफ़ा यानी बहुत बड़ा पत्थर जो चकना भी हो यानी ऊपर से मुलायम पत्थर होते हैं मुलायम और चकना पत्थर जो है उसको सफवान कहते हैं। बिल्कुल साफ प्लेन जैसे ग्रेनाइट होती है या संग -मर्मर, या इसी तरह की जो पत्थर होते हैं ना बहुत चमकदार चिकने से तो मतलब यह है कि ये पत्थर साफ सुथरा होता है और ये दूसरे पत्थरों की निस्बत नरम भी लगता है तो ऐसे पत्थर के ऊपर अगर थोड़ी सी भी मसलन आप देखें कि अगर आपने घर में संगे मार्बल लगा रखा है ना तो क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में जो मार्बल अगर आपने मार्बल का फर्श लगा रखा है ना तो जिन लोगों ने कभी मार्बल लगवाया हो यहां तो इतना रवाज नहीं लेकिन पाकिस्तान में अक्सर मार्बल लगवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी भी गर्द उसमें बहुत जल्दी नजर आने लगती है थोड़ा सा भी निशान यानी उसकी मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल होती है तो उसके ऊपर वो जो गर्द होती है या गुबार होता है वो फौरन नुमाया हो जाता है ठीक है तो इस पत्थर की मिसाल दी गई नहीं सिर्फ किसी भी पत्थर की मिसाल नहीं दी गई या किसी पहाड़ की मिसाल नहीं दी गई चकने पत्थर की मिसाल दी गई है और फिर जब उसको साफ किया जाता है तो आम फर्श के मुकाबले में वो चमकदार भी बहुत नजर आता है क्रिस्टल क्लियर उसमें शक्ल भी देखी जा सकती तो उसको तेज बारिश तेज बारिश पहुंचे यानी ज्यादा पानी वाली बारिश पहुंचे वाबिल जोरदार बारिश के लिए आता है यानी पत्थर पे मट्टी पड़ी और उस पत्थर के ऊपर तेज बारिश भी आ गई वाबिल आ गई अखजम वबीला भी कुरान में आता है वबील और वबाल का लफ्ज़ भी आता है वबाल फतेल तो सल्द कहते हैं ठोस पत्थर को तो उसने उसको बस ठोस पत्थर ही की तरह छोड़ दिया वो मट्टी ऊपर से सब बह गई क्योंकि सल्द जो होती है वो कुछ उगाती नहीं ना उसके अंदर कुछ जाता है ना उससे बाहर कुछ निकलता है इसलिए यहां सल्द की मिसाल दी जा रही यानी जमीन को उस पत्थर से तशबी दी गई जो पत्थर रबातात नहीं उगाता कुछ पत्थरों पे पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा कि दरख्त भी उगे हुए होते हैं पहाड़ों पे दरख्त होते हैं बहुत ग्रीनरी होती है तो वो कुछ ना कुछ उगाते हैं लेकिन कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि अगर आप देखें तो हैरान हो जाए जब मैं पहली दफा मक्का गई तो मई का महीना था सख्त गर्मी थी और इतनी शदीद गर्मी शायद जिंदगी में कभी नहीं मैंने महसूस की थी तो हम एक सड़क पर जा रहे थे तो साइड पे जो पत्थर थे वो इतने चकने और गरम, यानी तो मेरे दिल में ख्याल है यहाँ लोग बसते हैं यहाँ लोग रहते हैं रह सकते हैं यानी इतनी शदीद गर्मी में और इत इतने चटियल पत्थर कोई ग्रीनरी नहीं उनके ऊपर कोई घास नहीं कोई मट्टी नहीं कुछ नहीं पत्थर के पत्थर तो ऐसे पत्थरों में कुछ उगता नहीं है चाहे बारिश हो भी सारा पानी बह जाता है चंद सेकंड के अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते यानी वो जैसे पहले चमक रहे थे ना दिखावा हो रहा था उनका वो दोबारा शुरू हो जाता है ला अला वो किसी चीज़ पर भी कुदरत नहीं रखते उसमें से जो उन्होंने कमाई की मेहनत की यानी जो उन्होंने उस मट्टी में जो उसके ऊपर पड़ी थी पत्थर के कुछ उगाया तो उससे कोई खेत नहीं निकला कोई खेती नहीं काटी कुछ भी नहीं फ असबह कल्लिबूकफ अलामा अनफ कफ़ीहा तो उसने इस हाल में सुबह की कि अपनी हथेलियाँ मलता रह गया जो उसमें उसने खर्च किया था यानी जो उसने यानी बाजा ऐसा होता है ना कि एक पत्थर है नीचे जमी, यानी ज़मीन पर उसके ऊपर कुछ मट्टी पड़ी हुई है यानी हल्की मट्टी नहीं यानी एक लेयर है मट्टी की तो इंसान कहता है कि मैं कुछ उगा लेता हूँ बारिश पड़ेगी तो कुछ ना कुछ उग जाएगा अच्छा जब वो बारिश आती है तो जो उसने बीज डाला होता है जो मेहनत की होती है वो सारा बह जाता है पत्थर निकल आता है उसका बीज भी गया उसकी मेहनत भी गई और उसकी सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई तो यही हाल इस शख्स का है यानी जिस जो उनकी उम्मीद थी कि कोई सवाब वगैरह मिल जाएगा कुछ भी नहीं मिला या उसके जो फायदे हासिल होने थे उस खेती के उग जाने के बाद कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो बुनियादी तौर पर तो माना यही है कि सवाब हासिल करने की कुदरत नहीं रखते जो लोग अपने सदक़ात को एहसान और तकलीफ पहुंचाने के साथ बातिल कर लेते हैं जो रियाकारी और फख्र के इजहार के लिए सदका करते हैं वो उस चीज के सवाब को हासिल करने की कुदरत नहीं रखते जो उन्होंने अमल किए होते हैं क्योंकि उनके अमाल के साथ रियाकारी और ईजा पहुंचाने का अमल होता है जो उनके सदक़ात की बरकत को मिटा देता है उसके नतीजे को ख़त्म कर देता है उसके सवाब को जायल कर देता है इसी तरह एक माना यह भी किया गया है कि वो माल पर कुदरत नहीं रखते यानी मुनाफिक और रियाकार के पास जो माल होता है उस पर वो कुछ कुदरत नहीं रखते क्योंकि माल अल्लाह की मिल्कियत है और अल्लाह ताला माल के साथ एहसान करता है तो लाजिम था कि वो उसका शुक्र अदा करते जो अल्लाह का एहसान था और उसको एहसान जतलाने तकलीफ़ पहुंचाने और रियाकारी के बग़ैर खर्च करते ताकि उनको अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा सवाब मिलता यानी मिम्मा कसबू जो उनकी मेहनत थी जो उन्होंने खर्च किया जो उन्होंने ऊपर वक्त लगाया और जो उसका वो नतीजा चाहते थे वो कुछ भी हासिल न हुआ वल्ल दिलक़ मलकाफ़रीन और अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता कुफर का एक माना होता है इनकार और दूसरा माना होता है नाशुकरी। यहाँ काफिर नाशुकरे और मुनकरे नेमत के मानों में इस्तेमाल हुआ है यानी जो शख्स अल्लाह की दी हुई नेमत को उसके रास्ते में उसकी रजा के लिए खर्च करने की बजाय लोगों को खुश करने के लिए खर्च करता है या अगर अल्लाह के रास्ते में कुछ माल देता भी है और नियत अल्लाह को खुश करने की है लेकिन अजियत देने लगता है और एहसान जताने लगता है तो ऐसा शख्स जो है वो कभी भी सीधे रस्ते पे नहीं हो सकता वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता वो उसका कोई अजर सवाब नहीं पा सकता याद रखिए अजियत देना एहसान जतलाना, मोमिन का शेवा नहीं होता ईमान के साथ ये चीजें जे भी नहीं देती यानी ये कहना कि वो अल्लाह दिल कोमल काफीन में इस बात की तरफ इशारा है के रियाकारी और एहसान जताना जो है और साइल को अजियत देना ये मुसलमान की खसूसियात नहीं होती ये तो काफिरों की खसूसियात है ये काम मोमिन के शायन शान नहीं है किसी ईमान वाले से यह तवक्को नहीं की जा सकती ऐसे लोगों को अल्लाह ताला तौफीक ही नहीं देता कि फिर वो कोई अच्छा काम उसके लिए कर सकें और इसी तरह अगर इसको काफीन को कुफर अकबर के मानों में लिया जाए तो भी क्या माना होगा कि जिन लोगों पर कलमा साबित हो गया है वो फिर ईमान नहीं लाते उनको हिदायत नहीं मिला करती इनदीन हक़त कलिमतरबी का लाई उमिन यानि अगर ओमूमी मानों में इसको लिया जाए कि अल्लाह तफिर कौम को हिदायत नहीं देता तो उसका मानना यही होगा कि फिर उनसे हिदायत तोफ़ी छीन ली जाती है वलऊजा अथम कुल्लु आयतन हत्म खां उनके पास हर निशानी आ जाए यहां तक कि दर्दनाक अजाब देख लें तो बुनियादी तौर पर इस मिसाल के अंदर सदकत के सवाब को ख़त्म करने वाली चीजों का बयान है कि क्या क्या चीजें सदक़ का सवाब जया कर देती हैं सदक़ा जो है एक इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है उसे जाया नहीं करना चाहिए अल्लाह सुबहान ताला मिसाल के जरिए बात को मजीद वाज फरमा रहे हैं कि वो लोग जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं उनकी हालत पत्थर की हालत की तरह जिस पर मट्टी है ठीक है मट्टी उसको ढांपे भी होती है नहीं देखने वाला समझता है कि बड़ी जरखेज मट्टी और काश्तकारी के लिए बड़ी उमदा है लेकिन जब वो उसमें काश्त करता है और जोर की बारिश आती है तो बारिश से तो ये होती है कि ये और फले फूलेगी लेकिन बारिश ने तो उल्टा काम कर दिया हर चीज सफा करके रख दी और पत्थर भी सफा कर दिया तो इसी तरह ये सारे उमूर इंसान की कोशिशों की सफाई कर देते हैं उसको किसी नतीजे तक नहीं पहुंचने देते इसमें आप देखिए चकने पत्थर पर पड़ी हुई मट्टी जो है ये वो वक्ती खैरात और सदकात हैं जो वक्ती तौर पर नजर आते हैं ठीक है और एहसान जताना और अजियत पहुंचाना जो है ये वो उस बारिश की तरह जो आके उसको बहा के ले जाते हैं उन सदकात को ठीक है मट्टी जो है इसके अंदर एक कबूलियत का मकाम होता है ना इन चीजों को कबूल करती है पानी जज्ब कर लेती है बीज ले लेती है फिर उसके बाद उगाती है यानी उसके बहुत सारे काम होते लेकिन अगर मट्टी ही बह जाए तो फिर हाथ में क्या आएगा यानी मट्टी क्या है वो सदकात है जो वक्ती तौर पर पड़े पत्थर के ऊपर या सदकात दिए तो वक्ति एक शानोशौकत हो गई खैर की उम्मीद लग गई एहसान रियाकारी और ये सारी चीजें आई सारा कुछ ले गई अब कुछ भी हाथ में ना आया यानी जो नतज यानी मट्टी कितनी खूबसूरत कितनी बेहतरीन फ़ायदा मंद चीज़ है कि जिससे बहुत कुछ हासिल हो सकता था यानी इन सदक़ से बहुत फ़ायदे होते अल्लाह की रज़ा हासिल होती फ़राय़दा होते आखरत के में अजर दर्जात बुलंद होते दुनिया की वबाएँ दूर होती लेकिन यहाँ तो मट्टी ही चली गई सारी जब मिट्टी ही चली गई तो उसके साथ उसके सारे फायदे भी रखसत हो गए कुछ हाथ में ना आया और फिर यह है कि आ, असल में ये पत्थर जो है ना चकना पत्थर ये मट्टी के नीचे था पहले, ठीक है? और उसके ऊपर की मट्टी से ये ऐसा ख्याल आने लगा या ये आ, महसूस होने लगा कि इसमें से कुछ निकल आएगा ये नहीं पता था अंदर नियत खराब है यानी वो पत्थर जो है वो अंदर से वो मुनाफिक या उस रियाकार का दिल है या उसकी उसकी शख्सियत है जो अया हो गई जो सामने आ गई तो इस सूरत में उसको कुछ भी हासिल ना होता अगर वो इखलास के साथ करता तो एक बीज सात सौ दाने बनता एक दाना सात सौ दाने बनता जैसे कि पिछली मिसाल में कल हमने पढ़ा तो इखलास जब नहीं होता तो ऐसी सूरत में फिर कोई फायदा हासिल नहीं होता नीयत असल बीज है जब नियत ही दुरुस्त ना हो तो बीज भी दुरुस्त नहीं होता जब बीज दुरुस्त नहीं होता तो फिर उससे निकलता भी कुछ नहीं असल में पत्थर और मिट्टी की मिसाल दी भी इसलिए गई कि जो जो पहाड़ी या पथरीले इलाके होते हैं उनमें जो काश्तकारी की जाती है या जो ऊंचे इलाके कल की इंशाल्लाह मिसाल से मजीद बात बाजी होगी जो बुलंद मकामात होते हैं वो मैदानी मिट्टी से ज़्यादा बेहतरीन मिट्टी होती है वो ज़्यादा बेहतरीन ग्रीनरी लाती है क्योंकि जो मैदानी इलाकों में बारिश पड़ती है ना तो उससे क्या होता है कीचड़ हो जाता है ज़मीन के अंदर पानी चला जाता है बाद के जड़ों में बैठ जाता है जब वो जड़ों में पानी बैठता है तो उससे जो फल निकलता है वो इतना मीठा नहीं होता अभी तो है आ, नेट दे दो ये तो चल रहा है इसको ज्वाइन अच्छा, तो इस किया है इसको अच्छा ठीक है तो इसमें बोलो ओके तो उससे उससे आप देखिए कि हम कहाँ थे हाँ जो मैदानी इलाके होते हैं ना उनके फल या उन उनकी जो पैदावार होती है वो इतनी बेहतरीन नहीं होती जितनी पहाड़ी इलाकों की होती है। क्योंकि वहाँ पर जरूर यानी कि एक तो एक ऊंचा होने से बारिशें ज्यादा होती हैं फिर यह है कि जो बारिश होती है जो जरूरत का पानी होता है वो जज्ब होता है और बाकी बह जाता है जबकि मैदानी इलाकों में सारा का सारा पानी जमीन के अंदर चला जाता है वो जड़ों में बैठ जाता है और जब जड़ों में बैठता है तो फिर क्या होता है कि वो आ, उ, 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 उसके अंदर यानी अगर आपने देखा होगा कि जिस पौधे को ज्यादा पानी लग जाए ना तो उसके पत्तों का रंग खराब हो जाता है या उस उस पौधे की नोयत खराब हो जाती है तो यानी होना तो ये चाहिए था कि जितना उम्दा मकाम था वहाँ पर जो मेहनत की गई उस पर जी जितना उम्दा मकाम था जितनी उमदी उम्दा जगह थी उससे बेहतरीन नतज हासिल होते लेकिन वो नतज हासिल होने की बजाय उल्टा सब कुछ ही बह के रह गया यानी दिखावा करने वाला जो है उसका उस यानी वो एक साफ और चटियल पत्थर की तरह है उसका दिल और उस पर पड़ी हुई मट्टी जो है उसका सदका वो उस सब का सब हर चीज ही चली गई और फिर ये कि जब पत्थर साफ सामने आया तो उसकी हकीकत खुल गई कि असल में तो ये धोखा था ये जो ऊपर मट्टी पड़ी हुई थी अंदर तो कुछ भी नहीं था क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जो रियाकारी करता है ना वही मन और अजा भी करता है क्योंकि उसको इंस्टेंट फ़ायदे चाहिए होते हैं ना कि मैंने कोई काम किया लोग मेरी तारीफ़ करें लोग तारीफ़ करने के बजाय अगर वो कोई यानी तनकीद शुरू कर देते हैं यानी कि क्या दिया या ये थोड़ा दिया तो आप देखें कि फिर उसके बाद रिएक्शन क्या होता है आ, मसला एक शख्स किसी फ़कीर को कुछ देता है और वो दिखावे की नज़र से देता है कि मेरे साथ मसलन आप गाड़ी में बैठे हुए हैं किसी फ़कीर ने आके गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया आपसे दो चार लोग और भी बैठे हैं आप एक नोट निकालते हैं और देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो जो फकीर है वो कहता है मैंने ये नहीं लेना हुँ? तो अब आपकी बेजती हो गई ना वो पीछे वो गाड़ी में जो बैठे हुए लोग थे जिस जिनको आप दिखावा कर रहे थे उनके सामने आपकी बेजती हो गई अब बजाय इसके कि आप सलाम वालेकुम करते कि अच्छा भाई यही है फिलहाल आप फ़कीर पे बरसना शुरू कर देते हैं अजियत वाली बातें सुनाना शुरू कर देते हैं तो ये तीन चीज़ें इकट्ठी क्यों की गई क्योंकि ये ऊपर नीचे होती हैं साथ साथ होती हैं क्योंकि जो अल्लाह के लिए देता है वो फिर किसी वो फिर रिया का वो फिर दिखावा नहीं करता और जब दिखावा नहीं करता तो मनो अजा भी नहीं करता क्योंकि उसको परवाह नहीं होती कि लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या नहीं लोग मुझे वापस कुछ देंगे या नहीं और लोग मेरा लिहाज कर रहे हैं या नहीं फिर वो किसी भी चीज को खातिर में नहीं लाता वो अपना काम किया जाता है जिसने तकलीफ दी होती है आइंदा भी अगर वो जरूरतमंद दोबारा भी देता है और बेहतरीन सद कौन सा है ऐसे रिश्तेदार को दो जो तुम्हारा एहसान ही ना माने जो तुम्हारी जो एक्नोलॉजी नहीं करते कभी एहसास भी नहीं करते कि आपने उनको कुछ दिया पलट के सलाम नहीं करेंगे सलाम की भी तो ना रखो दुआ की भी ना रखो जजा की भी ना रखो इन ला लानी दु कुम जजा अमवला शुकूरा, तब होता है सदका खालिस। तो इस इस मिसाल में एक और बात भी पाई जाती है कि ये ऐसे अमाल हैं जिनसे यानी ये इस तरह के काम है मन उ, अजा और रिया, कि जिससे अमाल बहुत जल्दी जया होते हैं बहुत जल्दी वेस्ट होते हैं ऐसा था न मसलु الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد انشتدت به الريح في يوم عاصف उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने रब के साथ कुफर किया यानी इनकार कर दिया कि रब के लिए दिया ही नहीं उनके اعمال उस राह की तरह हैं जिस पर आंधी वाले दिन में हवा बहुत सख्त चली तो फिर क्या हुआ सब कुछ उड़ा के ले गई इसी तरह इस मिसाल से ये बात भी पता चलती है कि जिस तरह दीगर बादात के करने के लिए कुछ शराय है इसी तरह सदके की भी शराय है जैसे नमाज की दो शराय है एक, एक शर्त है वजू और तहारत और दूसरी है कि नमाज में किसी से बातें नहीं करनी खाने पीने से परहेज करना है अगर कोई वजू ही ना करे तो नमाज ही नहीं होगी वजू वजू के बाद नमाज शुरू की लेकिन एक रकत के बाद बोल दिया बीच में तो फिर क्या होगा नमाज जाया हो जाएगी इसी तरह सदकात की भी दो शराय है एक ये है कि इखलास के साथ नियत करे उसके बगैर सदका नहीं होता और दूसरा यह है कि फिर मन्नो अज़ा से परहेज़ करे बीच में को बोल ना दे बोल ना बोल दे यानी सदका उस वक्त तक ही महफूज रहेगा जब देने के बाद किसी को अजियत ना दी और एहसास ना जताया तो एहसान जतलाना चाहे ज़बान से हो चाहे अमल से हो दोनों तरह ही बुरा है एहसान जताने में ये चीज भी शामिल है कि इंसान किसी को आर दिलाए और वो सदका वगैरह एक तरफ दे दिया कर दिया सब कुछ अब अब ये बंदे आपके सदके ने इसका मुंह बंद किया हुआ ना अब आप छोटी बड़ी बातों पर बताने दे रहे हैं उसको क्यों दे रहे हैं क्योंकि आपको एक अथॉरिटी मिली हुई है कि आप उस पर खर्च करते तो साथ आप बातें बनाना शुरू कर देते तो ये उसमें आर दिलाना भी मन में शामिल होता है फिर एहसान जताने में यह भी शामिल है कि खुद को दूसरे से बर्तर समझा जाए कि मैं इससे बेहतर हूं क्योंकि मैंने इसको दिया है और फिर वो जो दिया है उसके इवज कुछ मुतालबा रखे दिल में दुआ की तलब रखे जब किसी को दे और शुक्रिया अदा कर नहीं बस दुआ ही काफी है ये कहना दुआ ही काफी है क्या मतलब यानी दुआ दो दुआ आप दुआ दें ही भाई दुआ उस वक्त कह रहे हैं आप किसी को करने के लिए जब आप किसी पर कर चुके फिर इसी तरह यह है कि बर्तर समझना क्या है कि दूसरे शख्स के ऐप तलाश करना शुरू कर देना अच्छा ये करता क्या है मैं इस पर जब सर्च कर रही थी तो एक वीडियो क्लिप मैंने देखा कि एक शख्स गाड़ी चला रहा है उसके साथ उसका बच्चा बैठा हुआ है और वो कहता है कि बाबा मुझे भूख लगी है तो बाबा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है फिर वो थोड़ी देर बाद बच्चा कहता है कि मुझे भूख लगी है बहरहाल वो किसी ग्रोसरी शॉप के पास जाके गाड़ी रोकता है और जाके तो एक दो चीज़ें लेता है जब वो देने लगता है तो उसकी कीमत शायद दस रियाल बनती है और उसके पास सिर्फ आठ रल होते हैं तो वो जो काउंटर पे बंदा है उसके साथ झगड़ा रह अच्छा दो दो रल छोड़ दो वो नहीं छोड़ता तो इतने में एक तीसरा बंदा आ जाता है और वो कहता है कि छोड़ो तो कोई बात नहीं मैं तुम्हारा बिल पे कर देता हूँ बिल पे करता है बिल पे करने के बाद वापस गाड़ी में बच्चा और बाप आते हैं खुशी खुशी बच्चा कुछ खाने लगता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है तो जो देने वाला है वो गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे जाता है हु? पीछे पीछे जाता है जो लेने वाला है वो जाके घर घर के सामने गाड़ी रोकता है अंदर जाता है वहाँ एक मरीज फकीर बंदा पड़ा होता है उसको जाके कुछ पैसे देता है जो उस सत वो पे बिल पे करने वाले ने कुछ मजीद भी पैसे दे दिए कि भाई ये फिर ज़रूरत के लिए रख लेना वो पैसे अपनी जेब से निकाल के उस उस फकीर को दे के बाहर निकलता है तो वो गाड़ी लेके बाहर खड़ा होता है और उससे लड़ाई शुरू कर देता है कि तुम्हारा ये घर भी है और तुम सब कुछ रखते हो और फिर तुम अपने आप को फकीर जाहिर करते हो तो बात यह होता है कि हम दे के दूसरे पर नजर रख लेते हैं अच्छा अभी इसके पास क्या है इसने क्या रखा हुआ है ये किसको क्या दे रहा है कहां जा रहा है कहां आ रहा है ये पहना हुआ क्या है इसने यानी इतबा करना उसका तो देने के बाद पीछा ना करो किसी का कि वो अब आपने जो आपने जो देना था दे दिया आपने किसी को जकत देनी थी दे दी सदका देना था दे दिया अब ये ना देखो कि वो क्या खरीद रहा है फिर जाके देख अच्छा इन्होंने तो टीवी रखा हुआ है इन पर जकत लगती है कि नहीं लगती है? अक्सर अक्सर लोग जो हैं वो इस तरह की बातें फिर पूछने लगते हैं या फिर जाके उनको कहते हैं आपको क्या जकात लगे आपने तो आपने तो टीवी रखा हुआ है पता नहीं कौन बोल रहा है अभी तो देर से जा रही है ना आपने जो देना तो अपने आप को बेहतर समझ कर किसी का पीछा ना करें जजार तलब ना करें हजरत आयशा जो थी वो सदका देने के बाद दुआ लेने को अजर में कमी का बायस समझती थी यानी उनके बारे में आता है जब वो किसी फकीर को सदका देती और वो उनके लिए दुआ करता तो उसमें भी परेशान होती और जवाबन वो उसको भी दुआ देती वो दुआ देता तो वो फौरन दुआ देती ताकि उनके सदके का सवाब कायम रहे जब हजरत आयशा के लोगों को एक तरफ कोई तोहफा भेजती तो कहती जो भी दुआ दे हमारे हक में उसको गौर से सुनना यहां तक कि जैसी दुआ वो हमारे लिए करें हम भी वो वैसी उनके लिए कर दें और अल्लाह हमारा आजर अपनी बारगाह में कायम रखे यानी अगर किसी के हाथ कुछ भिजवाती तो कहती ध्यान से सुनना वो क्या क्या रहा है ताकि उसका कोई एहसान वापस ना आए तो ये कबीरा गुनाह है एहसान जताना और यह अमाल को जाया करने का बायस है नबी अलैहि वसल्लम को इब्तदाई वही में जो इब्तदा इब्तदा में हुई थी आप पर वही नाजिल में फरमाया वस्तक इस नीयत से एहसान न करो कि ज्यादा हासिल कर सको एहसान जताना फिरौन की सिफत है हुं? उसने क्या कहा था सलाम को रब्बी कफ़ीना वलीद वबस्तफीना मिनरिकिन हमने तुम्हें बच्चा सा नहीं अपने आप हाँ पाला था और तू तो अपनी उम्र के कई साल हमारे यहां रहा तो ये तो फिरौन का काम है ये फिर ना दिखाए फिर इसी तरह हदीस में आता है कि तीन लोगों से अल्लाह ताला के आमद के दिन बात नहीं करेगा उनमें से एक है बहुत एहसान जताने वाला कि एहसान जताए बगैर कोई चीज देता ही नहीं दूसरा जो झूठी कसम खा के सामान बेचता है तीसरा वो जो अपने कपड़ों को टखनों से नीचे लटकाता है यानी तकबर की वजह से तो इसमें आप देखें कि झूठी कसम खाने वाले के बराबर उसको करार दिया है जो एहसान जताकर कर सदका करता है अल्लाह सुबह ऐसे बंदे को नापसंद करता है अब उज़र कहते हैं मैंने रसुल्ला वसम से पूछा वो कौन लोग हैं जिनसे अल्लाह नफ़रत करता है आपने फरमाया वो ताजर जो कस्में खाता है या वो बेचने वाला जो कस्में खाता है और वो बकील जो एहसान जताता है और वो फकीर जो तकबर करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन लोगों की ना फर्जी इबादत कबूल होती है ना नफली ना फरमान और बदसलूक इंसान एहसान जताने वाला और तकदीर को जुटलाने वाला यानी बदसलूक और नाफरमान से के बराबर कर दिया गया ऐसे शख्स को एहसान जताने वाले के लिए दर्दनाक अजाब की भी बशारत है हदीस में नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान जत लाने वाला माँ बाप का नाफरमान और आदि शराबी जन्नत में नहीं जाएंगे आप देखिए कि किन तीन लोगों को बराबर किया जा रहा है और फिर आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तो हम सब को अपने पास से ही दिया ना लेकिन हम किसी को देते हैं तो अल्लाह के दिए हुए में से देते हैं अपना तो कुछ नहीं हमारा और अल्लाह की तोफीक से देते हैं तो ये फिर हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें देने वालों में से बनाया और ये तोफीक भी अल्लाह का एहसान है यमुन्नु नई का नम्ला तमन्नुलाम कुम बल्ला अल्लाह ने तो हिदायत दी है ये तो अल्लाह का एहसान है अल्लाह ताला एहसान अल्ला जता सकते हैं क्योंकि वो असल में वही देने वाले हैं अहल जन्नत कहेंगे मखलूब का एहसान जताना जो है कभी फेल है अल्लाह का एहसान जताना जो है ये, ये बायस मसरत है कि हमें नियमत तो याद आ जाती हैं ये नियमतों को ये की याद दहानी कराना होता है दरअसल इसी तरह अजियत देने में कहते हैं कि अगर सदका लेने वाले को आपका सलाम करना भी अजियत देता है तो वो भी ना किया करें क्योंकि वो महसूस करता है अच्छा इसने फिर सलाम किया पता नहीं अब ये कुछ कहना दे यानी खौफ ना खाए आपसे फिर इसी तरह आप देखिए सदका दे के ना इंसान को यूं समझना चाहिए कि बस दे दिया खत्म हो गया इसीलिए दो जो काबिल रश इंसान है उनमें से एक वो है कि जो माल खर्च करता है फसलता हूँ अला हलकती यूं दे के जैसे वो हलाक कर दिया उसने खत्म कर दिया यानी कि वो माल को बस अपने से निकाल ही दे रहा है फिर इसी तरह अच्छी बात कहना जो है वो अजियत देने से बेहतर है हमें कौलम मारूफा का और कुल्ला से हुसना की तालीम दी गई है कले तैयबा भी सदका है भली बात कहना आग से बचाव का जरिया है किसी से हशाश बश्श तरीके से मिलना नेकी है दूसरों को अपने शर से बचाना नेकी है अगर सदका नहीं करना चाहते तो खामोश रहना चाहिए और फिर ये के दे के दिखावा नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस तरह नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं इसी तरह कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो नेकियों को मिटा देती हैं जिनमें से कुफर ने का अमाल को ज़ाया कर देता है शिरक ने का अमाल को जाया कर देता है बिदात ने का माल को, को जाया कर देते हैं तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुबहानु ताला हमें ईमान वाला बनाए रियाकार की तरह ना बनाए यानी इस मिसाल में ये कहा जा रहा है यानी ये मुरक्कब मिसाल है बेसिकली यानी मुरक्ब मिसाल का मतलब यह है कि पहले एहसान जताने वाले और अजियत देने वाले को रियाकार की तरह कहा गया रियाकार जैसा कहा गया और फिर रियाकार की आगे मजीद मिसाल दी गई ठीक है? तो एक मिसाल में दो मिसालें इकट्ठी हैं। तो अल्लाह सुबहान हमें इन तीनों चीजों से महफूज रखे अल्लाह सुबहान तआला के वास्ते से दुआ करनी चाहिए अल्लाह अला अंत अलमन्नान बदी उस समावात वलअर्द जल जलाल इकराम अल्लाह, तेरे अलावा कोई मबूद नहीं तो बहुत एहसान करने वाला है आसमान व ज़मीन को पैदा करने वाला है इज्जत व जलाल वाला है यार अब इन नामों का वास्ता देकर जो दुआ की जाती हुए, फरमाता है तो कबूल फ़रमाता है अल्लाह, तो हमें इखलास के साथ हर नेक अमल करने की तौफीक दे इबादत का कोई भी जो काम हो हम खालस तेरी रज़ा के लिए करें हम लोगों को लोगों पर एहसान जताने वाले ना हो दुख देने वाले ना हो या रब या रब तो हमें हर तरह की रियाकारी और दिखावे से महफूज रखना इन्नी असल इल्मन नाफ़्यान व रस्का तय्यब वमल अल्लाह मैं तुझसे फ़ायदा देने वाले इल्म पाकिजा रिस्क और कबूल होने वाले अमल का सवाल करता हूँ या रब हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमा ये इल्म हमारे अमल का हिस्सा बन जाए और इखलास के साथ इसे आगे पहुँचाने की तौफीक दे और हमें रियाकारी से महफूज़ रख اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة واعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق

या अल्लाह हर शिर के अकबर और शर के असगर से हमें महफूज रखना ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं जानबूझकर तेरे साथ किसी को शरीक करूँ और जो मैं नहीं जानता उसके लिए भी तुझसे मफ़रत का तालब हूँ या रब्बुल आलमीन अगर मैंने किसी भी इंसान को बुरा भला कहा है किसी पर लानत की है किसी को कोई सजा दी है तो उसे उसके लिए रहमत पाकिजगी और कुर्ब का ज़रिया बना दे कि वो क़यामत के दिन तेरे करीब हो

لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون अल्मदुल्ल जसाकल्ला खैर रस्तादा जी सबसे पहले तो एक मांगने वाले की भी फीलिंग महसूस हो रही थी कि जो मांग रहा होता है वो कितना मजबूर होता है कभी किसी से उधार मांगना पड़े या किसी को किसी की खातर जैसा आयशा लतला अक्सर लोगों से ले के फिर आगे दे, दे देती हुई थी तो उनकी फीलिंग्स बहुत प्रेशियस होती हैं वो पता नहीं किस तरह से अपने आप को इकट्ठा करके मांगने आते हैं और दूसरे जो हैं वो उनको झड़क देते हैं तो दूसरी बात ये थी कि बास को बास से आजमाया जाता है और सही बात है ये आजमाइश इतनी अजीब व गरीब आजमाइश है और हम उस वक्त इंसान के अंदर खुद ब खुद तकबर आ जाता है कि हाँ मेरे पास तो है और अपनी वो दौलत भी नज़र आती है वो चीज़ें भी नज़र आती है कि ये मैं दे सकता हूँ यहाँ पर और यहाँ मैं दे सकता हूँ लेकिन फिर अपनी वो लालच भी नज़र आ जाती है ऐसी बातें दूसरों के बारे में कर देते हैं भाई बेचारे बस ऐसे ही हैं ये तो कुछ करते नहीं निकम्मे हैं दूसरी बात जो मैंने उस्ताद जी शेयर करनी थी कि हम इतने ज्यादा लोगों के पीछे पड़ जाते हैं कि ये तो इसको दिया तो ये अपने फलाने को दे देगा ये अपनी बेटी को दे देगा ये अपनी माँ को दे देगा ये अपने फलाने को दे देगा पीछा करते हैं ना अब करता क्या है जो मैंने दिया था उससे क्या करेगा आगे पीछे गाड़ी लगा लेते हैं चेक करें कि अब ये जा कहाँ रहा है कहाँ से आया है बहुत ज़्यादा तफ्तीश शुरू कर देते हैं ना फिर हालांकि चोर को दिया था जो सदका वो भी कबूल हो गया था बिल्कुल हाँ ये जो बच्चों के साथ कहाँ तक हमको इजाज़त है कि हम अपने बच्चों को क्योंकि वो मन के नीचे दबे होते हैं एहसान के नीचे दबे होते हैं और वो कुछ कह नहीं सकते हमको ले और हम उनको पूरी तरह से एहसास दिलाते हैं बार बार कि हमने तुम्हारी खातिर ये किया ये किया तो कहाँ पर ये लाइन है कि हम कभी उनको जैसे अगर माँ अपने उनको बाप की एहसास दिलाना देखिए ये सब कुछ एहसान जताए बगैर भी हो सकता है यानी ये कहने के बजाय कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया था मैंने तुम्हें छोटे होते पाला था मैंने ये किया था वो किया था अब तुम ये करो ये करने के बजाय वैसे अगर किसी वक्त बातों में जिक्र हो रहा है कि बचपन में हमारे हालात कैसे थे ताकि बच्चे शुक्र गुजार तो उस नीयत से बात और है लेकिन ताकि वो मेहनत के भी आदि हों लहजा फर्क होता है लहजा फ़र्क होता है अंदाज फर्क होता है तो हम अपने बच्चों का वराल खुद ही डाउन कर देते हैं खुद ही उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं किसी काम के नहीं रहते एक क्वेश्चन है उसका ये जो नियत है फरिश्तों को हमारी नियत का नहीं पता होता और अल्लाह सुबहान उनको पता, पता होता है तो तभी वो लिखते हैं ना दाई तरफ उसको अच्छा जी उस्ताजा जी ये मन के जमन में एक और बात भी जहन में आ रही थी कि अगर उनको डायरेक्ट नहीं कहा तो फिर और इधर उधर हम कह देते हैं दूसरे लोगों को बता देते हैं हमने कि ये किया ये किया ये किया और एक दूसरी बात यह कि फिर उन लोगों से हम दिल होता है कि अभी हमारे काम मुफ्त में कर दें जी तो ये भी एक जेल में होता है क्योंकि हम इनको सपोर्ट करते हैं तो अभी हमारे काम जो है मुफ्त में कर दें और बाकी ये जो आपने फरमाया ना कि अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है तो वो फिर वापस सूरह बकरा की बिल्कुल पहली ही आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं रज़क ना हम हमने ही तो उनको दिया हुआ जिसमें से वो खर्च करते हैं तो इस बात को अगर याद रखें और वो आपकी वाली बात की शुक्र अदा करें अल्लाह ताला के उसने हमें इस काबिल किया कि हम किसी को देने वाले हो रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह नहीं आएगा और मिसाल में जो आपने एंड में कहा ना कि पत्थर जो है छुपा हुआ है वो असल में दिल है और ज़ाहिर दिल के अंदर ही नीयत होती है तो सुभान अल्लाह वो इतनी खूबसूरत बात लगी कि असल में दिल जो था उसमें तो कुछ था ही नहीं वो सामने पत्थर ही था हकीकत खुल के सामने बारिश का छट्टा पड़ा तो Um, मैं सोच रही थी कि हमें सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा है कि नेकी कर दरिया में डाल वन यू डू समथिंग गुड जस्ट वगैरह वगैरह अबाउट फॉर एवर तो नेकी कर दरिया में डाल बहुत ही प्यारी बात लगती है मुझे मैं जब भी सोचती हूँ कि कोई अच्छा करना काम बच्चों को बताने के लिए कि करो तो वो हंसते थे माँ वर यू सेंग नेकी कर दरिया में डाल तूल <laughs> स्टोरी बट इट्स 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 अ अ लॉन्ग स्टोरी बट गुड सेइंग बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम एक चीज पूछ रही थी आपसे मैं जैसे किसी को कोई चीज दी और फिर उन्होंने आगे से दुआ दी तो और ये कहते हैं हम कि जैसे आपने दिए अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह से ही ये सही है ना तो दूसरा ये पूछ रही थी कि <गेखा> <गेखा> <दीचा> <गेखा> जैसे किसी ने बच्चे को पढ़ाया बचपन में और सब बड़े हो गए और वो अपने बड़े से थोड़ा सा लड़ने झगड़ने लगे और बदतमीज़ी करने लगे तो फिर जो बड़े हैं वो फिर ये कहना शुरू हो जाते हैं कि याद करो तुम्हें हमने बचपन में इतना पढ़ाया तुम तो कुछ भी ना थे और तुम रोड पे ठेले लगाते फिरते ये वो तो फिर ऐसे वक़्त में उनको शर्मिंदा करना मेरा ख्याल है करना है तो नहीं सही है ना कि वो बड़ों की वो कहते हैं बड़े हो की तुम बेइज्जती कर रहे हो तो वो कहते हैं आप क्यों हमारे हर वक्त कहते रहते हैं कि तुम्हें हमने पढ़ाया है तुम तो कुछ भी ना थे ये वो तो उससे तैश नहीं, कहना चाहिए ना ऐसे लड़ाई झगड़ा सर ख्याल आ रहा था एक सवाल जहन में कि पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस तरह अनजाने में भी किसी को किसी अमल का एहसास दिला दिया गया हो या कुछ तो अगर इंसान ऐसा कर चुका हो तो ये वापस से री इंस्टेट हो जाती है तोबा करने से कि किसी ने बहुत ढेरों सदका किया होता है और वो गुस्सा करके बर्बाद भी कर देते <laughs> हैं रही थी कि जो तुराब होती है वो सूखी मट्टी होती है तो वो जितनी देर भी बैठे

Like اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد